Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 14, continuation of laws of motion chapter. Today we are going to continue friction topic. Last class mein humne theoretically friction ko discuss kiya tha. Aaj hum kuch numericals karenge to understand friction in better way. Friction topic itna chota nahi hai, kuch lectures lag jayenge humko isko completely cover karne ke liye. So today we will understand it practically ki friction kis tarah se kahan pe aur kaise kaam karta hai. तो हम दो फ्रिक्शन हमने डिस्कस किया था, एक स्टैटिक फ्रिक्शन दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन. बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग फर्स्ट आई स्टार्ट विद वन दिस बेसिक एग्जांपल कि आप एक कोई ब्लॉक ले लेते हो. दिस इज द ब्लॉक. इस ब्लॉक पे हमने फोर्स एफ लगाया. दिस इज व्हाट अप्लाइड फोर्स. सो क्या होता है, एज पर वी हैव अंडरस्टूड ये जो बॉडी है इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड ओवर हियर. तो ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स के दो पार्ट हो सकते हैं. ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है या ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है. स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कब रहेगा, बॉडी एट रेस्ट. अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी अगर रेस्ट पे रहेगा, फोर्स आपने अप्लाई कर लिया फिर भी बॉडी रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. बट अगर मान लो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर लिया तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स. तो बॉडी इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन. इन पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करना पड़ेगा हमें. क्या है कि अगर आप इमेजिन करो, पहला कंडीशन होता है कि जैसे अभी स्टैटिक फ्रिक्शन आपने लिया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में एक कंडीशन होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. लाइक आपने नेचुरली कैलकुलेट किया कि पूरी जो भी वैल्यू होगा जनरल वैल्यूज होगा, उस जनरल वैल्यूज आपने कैलकुलेशन किया, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये हो गया एफ एस मैक्स. आप बोलोगे इसका एक नाम होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. वन टर्म में भी कंसिडर इज अ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. या उसका जो दूसरा टर्म है इसके लिए वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन. आप इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो. ठीक है. स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर अप्लाइड फोर्स इससे कम होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगा. तो अब मैं यहां पर देखो ये वाले पॉइंट पर मैं लिख लेता हूं, ये वाले पॉइंट पर देखा, ये पॉइंट पर आप फोकस करना. तो मैंने जो फोर्स अप्लाई किया है, ये जो फोर्स अप्लाई की वैल्यू है ना, ये क्या होगा, ये बॉडी ना अभी रेस्ट पे है, समझ में आ रहा है. बॉडी को आपने फोर्स अप्लाई किया बट बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी नहीं मूव हो रहा है. समझो जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या होगा, जो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन मिला है या मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये वैल्यू से क्या है, कम है. ऐसा क्लियर. जब अप्लाइड फोर्स ना स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा अप्लाइड फोर्स, तब बॉडी मूव नहीं करेगा. बॉडी मूव कब करेगा, तो ये मूविंग वाले में ये देख रही है पॉइंट. यहां पे क्या क्राइटेरिया है कि अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है, इफ अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल भी होगा तो भी चलेगा. किसके, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स और लिमिटिंग फोर्स. जब उसके इक्वल या उससे ग्रेटर होगा तो बॉडी क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा. तो ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए कि कब हमको ना स्टैटिक फ्रिक्शन कंसीडर करना है, कब हमको काइनेटिक फ्रिक्शन कंसीडर करना है. तो मैं इन पॉइंट्स को ना यहां पर लिख देता हूं, बिकॉज वो पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी क्या करेगा, नहीं मूव करेगा, है ना, बॉडी डज नॉट या डजंट मूव. ठीक है. और जो दूसरा पॉइंट हमने यहां पर नोट किया हो गया है, जो अप्लाइड फोर्स है अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, गॉट इट, तो क्या करेगा, बॉडी विल मूव. ठीक है. सो बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन. अच्छा एक और पॉइंट है, तो कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो एक्ट होगा वो होगा स्टैटिक, और इसके ऊपर उस वक्त कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा वो होगा काइनेटिक. देखो आपको ना ये पता लगाना है कि ये कंडीशन अप्लीकेबल या नहीं है, उसके लिए आपको, आप देखो ना कैसे पता चलेगा ये वाला कंडीशन, जब आपके पास ना स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम पता होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम से ही आपको पता चलता है कि बॉडी मोशन में सेट होगा या नहीं होगा. जब ये नहीं पता होगा आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा. सो अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, इन्होंने क्या बोला एकदम स्टार्टिंग में, हमने लास्ट क्लास में किया था कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर डिपेंड करता है. तो मान लो कि जैसे ना आप समझो इस बॉडी का मास ना 10 केजी है, तो 10 केजी के टाइम उसका जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अलग था, 20 केजी होगा तो अलग होगा, 30 केजी है तो अलग होगा. तो ये क्यों होता है, जो फ्रिक्शन क्यों होता है, फ्रिक्शन ड्यू टू कॉन्टैक्ट. फ्रिक्शन है ना,
फ्रिक्शन इज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्फेसिस. फ्रिक्शन एक हिसाब से देखे ना तो ये क्या होगा, जनरल टर्म में देखना तो ये क्या होगा, ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्फेसिस. ठीक है, दो सर्फेसिस के बीच में कॉन्टैक्ट जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा. तो मान लो क्या ना, ऑब्जेक्ट का मास कम है, हमने ना जो कॉन्टेक्ट होगा कम होगा, मास अगर आपने बढ़ा दिया तो उसका कॉन्टेक्ट भी बढ़ जाएगा ना, समझ आ रहा. जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है कॉन्टेक्ट में होंगे बट ना नॉट कम्प्लीटली, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट में नहीं होगा. जैसे आपने क्या लोड बढ़ा दिया तो क्या होगा, कॉन्टेक्ट उनके बीच में और भी बढ़ जाता है. कॉन्टेक्ट जैसे ही बढ़ेगा फ्रिक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. तो इस पॉइंट को भी हमने ना लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कैसे कि मान लो कि मैंने ना स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, बोले स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम तब ज्यादा होगा जब नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा. नॉर्मल रिएक्शन का क्या लेना देना है, तो ये क्या बोल रहे हैं, इस सिस्टम में नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा जब उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और यह सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट क्या होगा, इक्वल होगा. सो एनजी विल बी इक्वल टू कैपिटल एन जब यह सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा वर्टिकली. अंडरस्टूड. तो ये वैल्यू तब ज्यादा होगा जब एनजी की वैल्यू ज्यादा होगी. तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, ये ज्यादा होगा जब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी. तो इनको हमने स्टेटमेंट को एडजस्ट किया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम का वैल्यू हमको फाइनली क्या मिलता है, वी आर गेटिंग यहां हमको मिला म्यू एस मिलेगा, क्योंकि ना यहां पे जो कॉन्स्टेंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का ही आएगा, इनटू क्या होगा ये एन हो गया, और अगर आगे और एक्सटेंड करना है तो म्यू एस इनटू क्या होगा ये एम जी हो गया. तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर हमको ना मास ऑफ बॉडी पता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता है, तो हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं. समझ में आ रहा है. तो हमें ना जो बातें अभी याद रखनी है, अब जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें ये है, एक तो पॉइंट होगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एस इंटू एन होगा, दैट इज म्यू एस इंटू एम जी, एक तो ये पॉइंट याद रखना. फिर इस बॉडी को हम कंपेयर, इस फोर्स को हम कंपेयर करेंगे जिसके साथ में अप्लाइड फोर्स. मान लो अगर अप्लाइड फोर्स लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, हमें उसी पॉइंट पे ही स्टॉप करना पड़ेगा, बट अगर मान लो ग्रेटर होगा तो देन वी नीड टू गो अहेड, क्योंकि म्यू के विल कम टू कंसीडरेशन. तो ये चीज हम कैसे और किस तरह से कब इंप्लीमेंट करेंगे उन चीजों को हम देखते हैं. ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत ना आपको ऐसा लगे कि ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है, स्लोली स्लोली जब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे तो चीजें और भी क्लियर होती चली जाएंगी. बट अभी के लिए बस आपको इतना समझना है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालना है, और प्लस आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है या काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्ट होगा जब अप्लाइड फोर्स ग्रेटर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम और लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तब आपको मिलेगा काइनेटिक फ्रिक्शन. तो हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, क्या करना, उन चीजों पर हम फोकस करेंगे. तो अब यहां पे क्या हो गया ना, तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लूइड. मतलब आपको ना ये 50 केजी दिया हुआ है, ये म्यूएस का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी कोई डिटेल नहीं दिया. पहला क्वेश्चन है फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लूइड, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आपको निकालना है. या मान लो फ्रिक्शन फोर्स भी बोला तो ये पार्ट आपने लिख लिया हुआ है वो. ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं. यहां पर ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ दे रहा हूं, और जरूरत पड़ेगी तो बाद में हम रब कर लेंगे. तो जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, सीधा फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लूइड. तो जैसा हमने समझा था, अच्छा यहां पे जी की वैल्यू आपको क्या लेना है, ये मैं पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं. जी की वैल्यू आप 10 ले लो यहां पे. ठीक है, 10 ले लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें हेल्प मिल जाएगा, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आगे बोले ना, फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लूइड, ऐसा क्वेश्चन दिया बाकी कोई डिटेल या फ्रिक्शन भी पूछा है तो भी आप ना लिख सकते हो कि मतलब उसका मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी पूछेंगे ना. Until unless you're not applying force, जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो तब तक ना आपको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही समझ के चलना है, आपको वही निकालना है. तो यहां पे क्या होगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये है म्यू इंटू एन, जिसको हमने एक्सटेंड किया तो म्यू इंटू एम जी हो गया. अच्छा म्यू एस ले लो. कभी कभी क्या होता है, सिर्फ म्यू दिया है तो भी कोई इशू नहीं है, म्यू दिया है मतलब दैट स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली. अभी हम देख लेते हैं कि क्या करना है. So, इस केस में हमने जब आगे एक्सटेंड किया, म्यू एस की वैल्यू क्या होगा, वर्ड वैल्यू का स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट का स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है, मास कितना है बॉडी का 50 केजी है, और जी का वैल्यू क्या है 10 है. ठीक है, अभी एक हिसाब देखो तो 10 5 से मल्टीप्लाई होगा, 10 - 0.5 से मल्टीप्लाई होगा 5 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 5 × 50 न्यूटन होगा. ये किसकी वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी. अब इसके ऊपर कोई फोर्स वगैरह नहीं लग रहा था तो उस टाइम पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब इतना स्टैटिक फ्रिक्शन के एक्सर्ट करेगा, मतलब ये चाहता ना, ये ब्लॉक चाहता है कि मान लो अगर आपके इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स आया, ये सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से देख लो या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप बॉल ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो ये ना ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड से इतना फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होगा इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में,
मैक्सिमम में स्टार्टिंग फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू 250 न्यूटन मैक्सिमम मैं बता रहा हूं। अब क्या होता है कि ना हो सकता है, देखो मैंने यहां पे क्या बताया, मैंने बताया मैक्सिमम स्टार्टिंग फ्रिक्शन है, यहां मैंने क्या बताया देखो फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स तो डजंट मूव, उस टाइम पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी हमें उसके बारे में भी डिस्कस करना है, क्योंकि जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया फाइंड आउट स्टैटिक फ्रिक्शन इफ 100 न्यूटन अप्लाइड फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक। अगर ना आपको क्या करना है, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये ब्लॉक के ऊपर 100 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है, हाँ बॉडी के ऊपर हमने 100 न्यूटन अप्लाइड फोर्स लगाया है और तो उस टाइम हमको क्या करना स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है, ये नहीं चलेगा, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है उस पॉइंट को हम समझ लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, ग्राफ में कैसा था देखो आपको ना पता नहीं चलता है कि ना बॉडी फ्रिक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है नहीं कर रहा है, कब तक नहीं जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं हो गया, ये फ्रिक्शन हो गया और ये क्या हो गया, ये होगा अप्लाइड फोर्स हो गया, करेक्ट। सो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि जैसे कि ये बॉडी है ना, जैसे कि इसके से पता चला होगा कि ना इसका मान लो कि ना मैं ऐसे कैलकुलेशन नहीं करता, मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे पता चले कि ना इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन या इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन 250 न्यूटन है, कैसे पता चलेगा अगर मैं कैलकुलेशन नहीं करूं, तो सिंपल सा टास्क है ना, एक ही चीज है कि मैं क्या, या जैसे आप इमेजिन करो कि कोई ना सिस्टम है, वो सिस्टम में क्या है ऑटोमेटिकली पैसे ना बाहर मतलब ऑब्जेक्ट बाहर आएगा, तो अब आपका टास्क ये है कि ना उसके अंदर पैसे डालते हो तो आपके सिस्टम से ना जो भी है ऑब्जेक्ट रिलीज होगा, बट वो ना आपको पता नहीं कि कितना है, क्योंकि हो सकता है जो स्टिकर वगैरह कूपन वगैरह लगा हुआ आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो आपको कॉस्ट पता नहीं, तो व्हाट डिड यू डू, आपने 10 रुपीज के नोट्स डाले सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने 20 रुपीज के नोट्स डाले सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया, 50 रुपीज के नोट्स डाले आपने सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने 100 रुपीज का नोट डाला सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने 200 का नोट डाला अभी भी सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया, 500 का नोट डाला सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया, अंडरस्टूड। इसका मतलब हो सकता है कि सिस्टम यहां फंक्शन नहीं कर रहा है 500 रुपीज पे, कुछ वैसा कंडीशन है, तो क्या होता है कि अगर मुझे ना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जनरली निकालना है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, तो क्राइटेरिया सिंपल सा है, मैंने क्या किया 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मूव नहीं किया, तो मुझे इतना समझ में आ गया ओ हो सकता है बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा, मैंने बॉडी पे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, बॉडी अभी भी नहीं मूव कर रहा है, मतलब कि 2 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, स्लोली मैंने ना 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बॉडी अभी भी नहीं मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा फ्रिक्शन 50 न्यूटन का एक्ट हो रहा होगा, मतलब 50 न्यूटन फोर्स से बॉडी उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा होगा, फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, विल ट्राई टू स्टॉप इट, आपने 100 न्यूटन अप्लाई किया आपकी बॉडी मूव नहीं हुआ, 150 अप्लाई किया आपकी बॉडी मूव नहीं हुआ, 200 अप्लाई किया आपकी बॉडी मूव नहीं हुआ, आपने 210 किया 220 230 240 जब 250 किया तो क्या होता है 250 में आपको थोड़ा बहुत ना डिस्टर्बेंस बॉडी में दिखाई देता है, तो आपको लगता है शायद हो सकता है थोड़ा सा, जैसे 250 से 251 दिया आपने देखा बॉडी शिफ्ट हो गई, मतलब इसका मतलब क्या था कि ये बॉडी ना मैक्सिमम कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर सकता था 250 न्यूटन का, वो हमने ट्रायल एरर मेथड से किया, लेकिन हमको ना तब तक नहीं पता चलता जब तक हम ना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक नहीं पहुंचे, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं पहुंचे, मान लो मैं 250 न्यूटन फोर्स नहीं लगाया होगा, मैंने 100 न्यूटन की फोर्स लगाया, तो मेरा परसेप्शन तो यही होता ना कि बॉडी इज ऑफरिंग अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओनली, हो सकता है ना मेरी कैपेबिलिटी ही है 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने की, मैं 150 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, तो इसका मतलब मेरे लिए तो ये ड्रीम ही रहेगा ना, ये फाइंड आउट करना कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा या लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वो तो मैं कभी नहीं फाइंड आउट कर सकता, पर फ्रिक्शन कितना होगा वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, तो फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स के ऊपर, जितना आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हो उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बॉडी एक्सपीरियंस करेगा, तो ये पॉइंट आप यहां पे एक और नोट करो कि अगर एफ का वैल्यू लेस देन एफ मैक्स है ये वाला कंडीशन, तो आपको लिखना है उस टाइम पे जो एफ की वैल्यू होगी और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो दोनों क्या होगा इक्वल होगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ऐसा क्लियर, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहेगा, है ना, मैं यहां लिख देता हूं सो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भी है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, अगर उनसे कम रह गया तो जो भी आपने अप्लाइड फोर्स लगाया है सिस्टम के ऊपर उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए देख लेता हूं, सेकंड क्वेश्चन में देखो एक चीज है मुझे टाइप पास करके जाओगे, मैं सेकंड क्वेश्चन जो मैं निकाल रहा हूं तो मैं स्टैटिक फ्रिक्शन में तभी निकाल सकता हूं अगर मुझे ना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता हो या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पता, तभी मैं स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सबसे पहला टास्क यही है मुझे ना क्या करना है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, करेक्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन,
तो उसकी वैल्यू क्या होगा, ये म्यू एस इंटू एन होगा। देखो ये जो ऊपर वाला कैलकुलेशन वही है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं कैलकुलेशन में, तो ये कितना हो गया, ये 250 न्यूटन हो गया बराबर। अब आप देखते हो कंपेयर करते हो, क्या कंपेयर करते हो, आप देखते हो कि 250 न्यूटन बराबर, और उसके पहले आपका अप्लाई कितना है फोर्स, अप्लाई फोर्स है 100 न्यूटन, तो जो 100 न्यूटन का फोर्स है वो क्या है 250 से कम है बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, जो अप्लाइड फोर्स है, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है या लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे क्या है कम है, क्लियर। तो बॉडी विल नॉट मूव, एक जो पॉइंट कंक्लूजन में निकला वो क्या था, बॉडी विल नॉट मूव, ठीक है। ये अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने बताया कि अगर F का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ही क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगी। तो देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स, देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स, करेक्ट। और अप्लाइड फोर्स का लिया हमने कैपिटल F, कितना अप्लाइड फोर्स है इस केस में, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन। तो ये बॉडी कितना स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफर करेगा, 100 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफर करेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो जो भी आपने फोर्स अप्लाई किया है वही आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले तक आपको फ्रिक्शन फोर्स का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता 100 न्यूटन बॉडी मूव कर गया होगा, आपने 100 न्यूटन अप्लाई किया इसके आपको लग रहा है कि 100 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे लग रहा है, मतलब 100 न्यूटन फोर्स है उसको अपोज कर रहा है, इज नॉट अलाउिंग इट टू मूव, तो आपको उतना ही, क्योंकि आपने उतना ही फोर्स अप्लाई किया, जब आप उसके आगे अप्लाई करते हो आपको पता चलता है कि नहीं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और भी बढ़े जा रही है, आप जितना अप्लाई फोर्स करोगे उसके अकॉर्डिंगली ही आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया इन्होंने, उन चीजों को देखो, यहां पर भी इन्होंने क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स इन्होंने बोला है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा सिस्टम पे, ठीक है। सो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन इफ अप्लाइड फोर्स इज 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 300 न्यूटन, 250 न्यूटन। मैंने ये पॉइंट को फिर से एक बार कर लिया 100 न्यूटन वाला, ताकि वो हमारा कवर हो जाए पहले में। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है। जब ऐसा बोला है तो हमको आइडिया नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया था स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब जितना फोर्स आपने अप्लाई किया उससे आपको स्टैटिक फ्रिक्शन मिलता, ठीक है। अगर लेस देन होता, अगर मान लो ग्रेटर है तो क्या क्राइटेरिया होगा, अभी हमको उसको फोकस करना। तो अब यहां पे मैंने उसको थर्ड पॉइंट लिख लेता हूं, ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा कि हमको कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो थर्ड पॉइंट होगा, तो मैंने पहले मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है वो निकालूंगा मैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन 250 न्यूटन। फिर मैंने देखा कि 100 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई किया बराबर, तो 100 इज लेस देन 250, तो एफ लेस देन एफ स्टैटिक, मतलब बॉडी विल नॉट मूव। बॉडी विल नॉट मूव का मतलब क्या हो गया, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी वो जीरो हो जाएगा ना, बॉडी विल नॉट मूव। तो अगर आपको लिखना है तो साइड में लिख लो ए विल बी व्हाट, जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि कितना एक्सेलरेशन होगा बॉडी का, फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना ये लेस है, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस है, इसके जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स से इक्वल होगा, दैट इज 100 न्यूटन। ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि अगर आपने 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो 200 न्यूटन फोर्स में भी ना सेम स्टोरी है कि जो 200 न्यूटन फोर्स है वो क्या है, 250 न्यूटन से क्या है, कम है। तो उसमें भी वही हो गया कि जो अप्लाइड फोर्स हो गया वो क्या होगा, स्टैटिक का मैक्सिमम फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। तो इसमें भी क्या होगा कि एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा, एंड कौन सा फोर्स एक्ट होगा, उसमें भी एक्ट होगा फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा, या वहां फ्रिक्शनल फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितना होगा, वो होगा अप्लाइड फोर्स के इक्वल, विच इज नथिंग बट इक्वल टू कितना होगा, 200 न्यूटन, जितना आपने फोर्स अप्लाई किया उसके इक्वल मिला। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमेशा हमको ऐसा ही कंडीशन मिलेगा, तो कंपल्सरी नहीं है, कभी कभी हमको ये वैल्यू चेंज होकर भी मिल सकता है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, तो ये दो पॉइंट आप लिख लो क्योंकि मैं इनको रफ करने वाला हूं। तो जब थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट के लिए मैं क्या उन्हीं कैलकुलेशन में कर लूंगा, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा आपको, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा ये, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, थर्ड पॉइंट को यहां से मैं कर लेता हूं, चलो ठीक है। ये थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट का, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं। तो क्या है, थोड़ा समझने के लिए हमको ना काफी आसानी मिल जाएगी। तो यहां तक हमको जो ये ग्राफ में क्या समझ में आ रहा है,
कि जो अप्लाइड फोर्स है ये कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक कि मैं ये ला लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं पहुंचाता। लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, ये एफ एस मैक्स तक पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद क्या होता है कि जैसे ना अब इसके बाद स्टैटिक, अब उसके आगे अगर आपने फोर्स लगाया अप्लाइड फोर्स, इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन दिस वन, इससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये सडनली ड्रॉप होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो ड्रॉप होती है और बॉडी विल एक्वायर न्यू फ्रिक्शन एट द स्टार्ट होगी। यहां पे जो फ्रिक्शन होता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये जो वैल्यू होती है ना ये कॉन्स्टेंट होता है, इट इज कॉन्स्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स, ये चेंज नहीं होगा। आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स तब तक इंक्रीज होगा जब तक कि आप ना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं पहुंचाते, उसके बाद जैसे बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगा उसका फ्रिक्शन ड्रॉप होगा। तो ये पॉइंट भी ना आपको एक याद रखना है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना दैट विल बी ऑलवेज लेस देन व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन एक और पॉइंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन से ग्रेटर होगा ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो इतना जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन से ग्रेटर है, ये जो है काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या है, लेस है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बट कोई मतलब नहीं बनता है, जब तक आप ना स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम को क्रॉस नहीं करते हो काइनेटिक फ्रिक्शन से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता। काइनेटिक फ्रिक्शन तो तब आएगा जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अब हम ना थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट में वापस वही स्टोरी, देखो मैंने यहां पर कंबाइन करके बताया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन बेटर वे। वैसे एग्जाम में आपको कोई एक ही पार्ट पूछेगा, फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन इन द अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन, ये क्वेश्चन हो गया, या तो 300 न्यूटन, ये क्वेश्चन हो गया, या तो 400 न्यूटन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सो अब क्या हो गया कि हमको 250 न्यूटन मिल गया मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। अब हमने क्या करना है ना, जो हमारा अप्लाइड फोर्स कितना 300 न्यूटन है, तो मैं अभी कंपेयर करता हूं, क्या कंपेयर करता हूं कि जो 300 न्यूटन है, आई एम फाइंडिंग 300 न्यूटन इज ग्रेटर देन व्हाट 250 न्यूटन। तो 300 न्यूटन किसका वैल्यू है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू में, मतलब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू का ना ग्रेटर होगा किसके कंपेयर में, ये कौन सा फ्रिक्शन है, ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम और लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम और लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या समझना है कि अब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो अब बॉडी अगर मूव करना स्टार्ट कर देगा तो इसके लिए मैंने नया डायग्राम बनाना है, एक न्यू डायग्राम, क्यों नया डायग्राम बनाना है आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो ये समझ में आ गया, अगर ये कंडीशन है, देखो यार ये कंडीशन हो गया तो बॉडी इज इन मोशन, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी विल मूव, ठीक है, बॉडी मूव होगा मतलब एक्सेलरेट होगा, ठीक है। सो अब क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, अब ना काइनेटिक फ्रिक्शन का स्टोरी आ गया, इज दैट क्लियर। अब यहां से ना ट्विस्ट क्या है, अब क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में देखने की जरूरत है, अब तक हमारा जो पूरा काम था ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन से चल जाता था, यहां पर देखो काइनेटिक फ्रिक्शन करके भी टर्म दिया, वेयर म्यू एस इज इक्वल 0.5 एंड म्यू के इज इक्वल 0.3। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट मैं काम करवा, ये वाले को रब कर देता हूं। अब बोल रहे ना अब बॉडी को, बट यहां पे सिर्फ ना ये जो 250 न्यूटन 300 न्यूटन का जो रोल है यहां पे, बस इतना ही हमको ये बताना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है तो कितना एक्ट हो रहा है, वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है तो कितना एक्ट होगा। तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, डायग्राम में क्या क्राइटेरिया है कि देखो आपने बॉडी को अप्लाइड फोर्स लगाया कैपिटल है जिसकी वैल्यू कितनी है 300 न्यूटन। अब बॉडी को कोई रेजिस्ट करता है मूव करने से, बराबर, तो पहले कौन रेजिस्ट करता था, पहले रेजिस्ट करता था स्टैटिक फ्रिक्शन, कहां तक रेजिस्ट करेगा, इट विल रेजिस्ट इन द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को आप क्रॉस करते हो फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत डिक्रीज होती है, मतलब पहले जितना फ्रिक्शन था उतना फ्रिक्शन नहीं रहा, फ्रिक्शन से अलग होगा। तो अब यह बोल रहे हैं ये जो नया फ्रिक्शन आएगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, ये होगा एफ के, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, मोशन को जो है ना फ्रिक्शन ऑफर होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो जैसे आपने स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मिला था, यहां पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन, हैवियर बॉडी है तो उतना ज्यादा आपको फ्रिक्शन लगेगा, लाइटर बॉडी है तो कम फ्रिक्शन लगेगा, तो ये भी क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एक होगा म्यू इनटू एन, एक होगा म्यू हो गया एन जी हो गया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाले तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू का वैल्यू कितना है 0.3 है, बराबर। मास का वैल्यू कितना है, मास ऑफ बॉडी इज व्हाट 50 kg, तो यार हमने 50 kg और ये कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो देखो 0.3 × 50 कितना होगा, 115 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे 150 न्यूटन होगा। तो बॉडी पे ना 300 का अप्लाइड फोर्स है,
और एट द सेम टाइम बॉडी ना काइनेटिक फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगा कितना 150 न्यूटन का। ये कब पता चलेगा, जब अप्लाइड फोर्स ना आपका स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा होगा या लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, उसके पहले इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अब क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को आप आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा इस पॉइंट के हिसाब से, तो यहां पे देखो कितने फोर्सेस एक्ट है, दो एक्ट हो रहे हैं, बॉडी मूव करेगा तो बॉडी इधर एक्ट होगा, है ना। तो अब ना जो हम ना फ्री बॉडी डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो उसके हिसाब से क्या है कि एफ ग्रेटर देन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ होगा माइनस क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी एम और उसका एक्सेलरेशन होगा बॉडी। सो टोटल कितना फोर्स एक्ट होगा बॉडी के ऊपर, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है 300 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 150 न्यूटन, ठीक है, और उसका मास ऑफ बॉडी कितना है 50 न्यूटन, और ये हो गया ए, क्लियर। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 150 हो गया, और ये कितना होगा 50 इंटू ए हो गया, तो 50 यहाँ एक्सेलरेशन 3, तो ए का वैल्यू होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गॉट इट। तो जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन के तहत ना फाइंड आउट द फ्रिक्शन, तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन था, यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल थी, यहां पे 100 न्यूटन, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू किसके इक्वल था 200 न्यूटन, बट इस केस में अभी कौन सा फ्रिक्शन हो गया, इस केस में अभी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 150 न्यूटन है। थर्ड वाले केस में फ्रिक्शन की वैल्यू है 150 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन 150 न्यूटन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पिछले वाले वाले कंपेयर करके देख लेना कि जब तक ना आपको एफ की वैल्यू मैक्स से कम होगा तो जो अप्लाइड फोर्स होगा वही फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इट विल बी इन फॉर्म ऑफ स्टैटिक फोर्स, बट अगर मान लो एफ की वैल्यू ग्रेटर देन होगा मैक्सिमम से, आपको समझ लेना है कि अब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा रोल में, बॉडी इज इन मोशन ऑफ म्यू आएगा, म्यू के विल गिव यू काइनेटिक फ्रिक्शन, तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको मिल गई, उसके थ्रू आपको क्या मिल गया, आपको एक्सेलरेशन मिल गया, इज दैट क्लियर। अब ना क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि अब तक हमने लर्न किया था कि देखो ये तो समझ में आया कि ना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 250 न्यूटन है, मान लो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू एक्जैक्टली उसके इक्वल होगा तो क्या होगा, इफ इट इज एक्जैक्टली इक्वल टू दिस, तो देखो यहां पर कितना लिया, 250 न्यूटन लिया, बराबर 250 न्यूटन, मतलब आप यहां कंपेयर करते हो, वैल्यू कंपेयर है, वैल्यू आर कंपेयरिंग यू कैन राइट लाइक दिस। तो देखो अब ये ना मैं फोर्थ वाले पार्ट का सोल्यूशन बता रहा हूं, जिसमें से पहला पार्ट आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालोगा फिर आप बताओगे अप्लाइड फोर्स कितना है 250 न्यूटन है, करेक्ट, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कितना 250 न्यूटन है, दोनों इक्वल है, तो मतलब क्या होगा अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि विल द बॉडी मूव, या ये जो क्वेश्चन है वो कंसिडरेशन में आएगा, तो आप देखो यहां पे ध्यान दो, इन्होंने क्या बोला है कि अगर अप्लाइड फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर होगा स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन से और इक्वल होगा तो बॉडी इज इन मोशन, दोनों केस में बॉडी मोशन में सेट होगा, समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, तो उस टाइम का म्यूपे लेना, तो स्टोरी वही होगी, इक्वल होगा तो भी ग्रेटर होगा तो भी, अप्लाइड फोर्स ग्रेटर हो या इक्वल हो टू स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से, अगर ग्रेटर होगा तो बॉडी मूव करेगा, इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, तो यहां पे इक्वल वाला स्टोरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी विल मूव, काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू कंसीडरेशन। अब यहां पे क्या होगा कि आपने कितना फोर्स लगाया, यहां पे आपने फोर्स लगाया 250 न्यूटन का, बात समझ में आ रही है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की स्टोरी तो वही होगी ना, काइनेटिक फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू के ऊपर डिपेंड करता है और एन के ऊपर डिपेंड करता है, तो म्यू एम जी हो गया, ये कितना होगा 150 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक बार मोशन में सेट हो गया ना, यहां पर देखो ना एक बार लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल चला गया वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन पे आ जाएगा। तो जैसे को काइनेटिक फ्रिक्शन को एक्वायर कर लिया, ज्यादा फोर्स लगाओ कम फोर्स लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ा, यू कैन सी ना अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कुछ भी हो, बट ना उसके बाद एक बार स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कॉन्स्टेंट आएगी। तो देखो अब मैंने अप्लाइड फोर्स चेंज कर दिया बट फिर भी मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 150 न्यूटन है। तो अब देखो अब कंपेयर करने वाली बात होती है कि आपने 250 न्यूटन फोर्स लगाया और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, तो देखो 150 न्यूटन ही होगा काइनेटिक फ्रिक्शन और ये 250 न्यूटन हो गया आपका अप्लाइड फोर्स। तो अब क्या है अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन एफ माइनस, बस क्या फर्क होगा यहां पे आपको क्या मिलेगा 250 मिलेगा, बात समझ आया, 250 माइनस 150 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 100, तो अब 50 को सेकंड में तो 2 हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू को आगे 2 हो जाएगी। तो एज यू कैन सी कि जैसे जस्ट इक्विवेलेंट टू लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर आपका अप्लाइड फोर्स अगर आपका है जस्ट इक्विवेलेंट टू लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल अगर होगा तो बॉडी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, बट अगर आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया 300 न्यूटन में तो यू कैन सी उसके पहले कितना था एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है अगर आपने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन
और लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो तो हमें जो ना पॉइंट समझना था उसमें बस यही था कि कोई बॉडी अगर किसी सरफेस में रखा हुआ है एंड देयर इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो आपको ये पॉइंट समझ के चलना है कि वो कोई मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर कर सकता है। समझ आ रहा है? वो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होगा उसको बोलेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, बट वो ज्यादा होगा कम होगा और जो फ्रिक्शन बॉडी एक्सपीरियंस करेगा वो सेम होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स के ऊपर। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ही स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगी, है ना? यहां पर तो कंडीशन है, अगर कम होगा तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ही स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगी, अगर ज्यादा हो गया तो बॉडी क्या करेगा यहां पे आपको काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन और अप्लाइड फ्रिक्शन की वैल्यू का डिफरेंस निकाल के आप एक्सेलरेशन वगैरह निकाल सकते हो। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं इन केसेस में। ये थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमने अब तक किए उससे लिंक्ड नहीं है, ये थोड़े से डिफरेंट है। एज यू ऑल कैन सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है देखो, अभी ना नॉर्मल क्वेश्चन जैसा ही है, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है, बट अभी ये फ्रिक्शन के टर्म में किस तरह से चेंज हो जाता है वो देखो। अभी प्रैक्टिकली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या, यहां पर एक ट्रॉली और व्हील्स दिया हुआ है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ना, कभी कभी ऐसा होता है ना ट्रॉली और व्हील्स देखकर आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट हो, बट वैसा नहीं है। फ्रिक्शन के आने में थोड़ी सी स्टोरी चेंज हो जाती है, क्या वेरिएशन है उस पार्ट पे हमें फोकस करने की जरूरत है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है। ये मास 3 केजी है, ये मास 20 केजी है, ये टेंशन एक्ट हो रहा है बिफोर एंड आफ्टर पुली टेंशन रिमेन सेम, हमको एक्सेलरेशन और टेंशन ही निकालना है। और यहाँ पे देखा म्यू के इज इक्वल टू 0.04, इसका मतलब क्या है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। यहाँ पे मैंने एरो दिया, मतलब ये ब्लॉक और फ्लोर के बीच का काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। सो अगर आप समझने के साथ आप डायरेक्टली भी लिखोगे तो भी चलेगा, जी का वैल्यू 10 है, यहां आप डायरेक्टली ना एम जी, एम का वैल्यू 3 हो गया, जी का वैल्यू 10 हो गया, आप डायरेक्टली 30 भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट फिर भी मैं क्या इमेजिन कर लेता हूं, इस मास को मैंने M1 इमेजिन कर लिया, इस मास को M2 इमेजिन कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा, इक्वेशनल टाइप में प्रैक्टिस भी हो जाएगा हमारा, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा, M1 की वजह से होगा, M1G एक्ट होगा, करेक्ट। और फिर क्या होता है कि इसके लिए मैं इक्वेशन तो बना लूंगा, क्योंकि क्या पूरा सिस्टम ना इज मूविंग डाउन, ऐसा है होल सिस्टम इज मूविंग डाउन, ये सिस्टम राइट में जाएगा। तो क्या होता है, पहले इसके पहले तक का स्टोरी क्या था कि जब ये टेंशन थी इस ब्लॉक पे एक्ट हो रहा था, कोई फ्रिक्शन नहीं था, तो ये ना इकलौता फोर्स होता था, या यूज टू बी ओनली वन फोर्स जो इस बॉडी को मोशन में सेट करता था। तो अगर हम इसके लिए जब इक्वेशन बनाते थे तो कैसा होता था, टेंशन थी विल एग्जर्ट फोर्स ऑन मास M2 बाय एक्सेलरेटिंग थ्रू एक्सेलरेशन A, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाता, बट अब कहानी वैसा ही, अब कहानी में ट्विस्ट आ गया, कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया कि ये ना म्यू के होने की वजह से, काइनेटिक फ्रिक्शन होने की वजह से ये बॉडी के ऊपर एक और फोर्स एक्ट होगा, दैट इज व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रही बात? तो ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कौन से मास के ऊपर डिपेंड करेगा, M2 के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब इस बॉडी पे कितने फोर्स एक्ट हो रहा है, एक तो टेंशन एक्ट होगा, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इस बॉडी पे कितने फोर्स एक्ट हो रहा है, M1G एक्ट हो रहा है, टेंशन T एक्ट हो रहा है। तो अब डायरेक्टली वाला फॉर्मुला यूज करेंगे तो शायद कंफ्यूजन हो जाए, तो हमने एक एक करके बॉडी को सिंप्लीफाई करते, तो मैं ना इक्वेशन बना रहा हूं किसके लिए, बॉडी M1 के लिए। स्टोरी वही है जो हमने पहले यूज किया हुआ है, जिसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉडी इज गोइंग डाउन, तो मतलब M1G का वैल्यू ग्रेटर देन T होगा, तो आई कैन राइट इट एज M1G माइनस T इज इक्वल टू व्हाट, आई व्हाट विल आई राइट, आई विल राइट M1 एनीवे, मैं इक्वेशनल फॉर्म में लिख रहा हूं, फिर बाद में उसकी वैल्यू से पुट कर लेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये आप चलेगा, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ऐसा क्लियर। अब मैं आ जाता हूं सेकंड बॉडी पर, सेकंड बॉडी का मास इज M2, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, टेंशन T एक्ट हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी एक्ट हो रहा है, क्योंकि बॉडी राइट साइड में जा रहा है, तो हमारा अजम्पशन है टेंशन T ग्रेटर होगा, तो हमने क्या लिया फॉर मास M2, फॉर मास M2 तो टेंशन T की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के ग्रेटर होगा, तो T माइनस क्या हो गया, Fk इज इक्वल टू, ये जो फोर्स है किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, M2 के ऊपर एक्ट हो रहा है, और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होगा, इसलिए M2 इनटू A हमने अज्यूम कर लिया, बट अभी भी स्टोरी पूरा नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि ना हमको काइनेटिक फ्रिक्शन पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। तो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन, मतलब जो बॉडी का वेट है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये क्या होगा, बॉडी का वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड लाइक दिस M2G, और उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ऐसे अपवर्ड रिएक्शन एक्ट होगा, दैट इज कैपिटल N। तो अब ये क्या होगा, Fk का वैल्यू क्या होगा, ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, सो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू मास इनटू दिस जी, पर कौन सा मास हमने लिया है, हमने लिया है M2, ये M2 पे एक्ट कर रहा है, M2G ना, अब वहां देख सकते हो ना N का वैल्यू किसके अपोजिट में, M2G, तो अगर लिखना तो मैं यहां लिख सकता हूं कि N का वैल्यू जो होगा ना किसके इक्वल होगा, M2G के इक्वल होगा। समझ में आसानी हो जाएगी,
अब उसी कारण उसको हम यहां रख लेते हैं, क्योंकि हमारा टी हो गया माइनस क्या हो गया ये म्यू के हो गया, दिस इज व्हाट एम टू इन टू जी इज इक्वल टू क्या होगा ये म्यू टू इन टू ए, ये होगा इक्वेशन नंबर टू। अब मुझे नहीं लगता है कुछ और एक्सटेंशन की जरूरत है, तो अब इसके पहले क्या होता था कि आपने यहां पर फॉर्मूला लिखा लिखे ऐड कर देते थे, यहां पर भी कर सकते थे आप एफ टी की वैल्यू को सेपरेटली कैलकुलेट करके एफ के की वैल्यू को सेपरेटली कैलकुलेट करके आप यहां पर पुट कर सकते थे, चॉइस इज योर्स, या मैं इसी इक्वेशन में सबको रख के फिर आराम से कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब क्या करो करस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐड कर दो, आप इक्वेशन वन को ऐड कर देते हो इक्वेशन नंबर टू के साथ में, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा देखो, अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, है ना, डायरेक्टली में क्या होगा कि अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को ऐड किया इस वैल्यू को ऐड किया इसके साथ में, ये जो टी है और ये जो टी है क्या चला माइनस टी और क्या प्लस टी है, फिर क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा एम वन जी बचेगा करेक्ट, फिर ये तो बचा नहीं, ये क्या है माइनस, माइनस क्या बचेगा म्यू के एम टू जी इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा ये एम वन ए है और ये क्या है एम टू ए है, दोनों में से ए को आप कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा एम वन प्लस एम टू बचेगा करेक्ट। अब अगर चाहिए तो आप कैलकुलेशन करके देख लो एम वन की वैल्यू कितनी है, एम वन की वैल्यू है थ्री, एम वन की वैल्यू है थ्री और जी का वैल्यू कितना है टेन है, ठीक है माइनस म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.04 है, 0.04 हो गया इन टू एम टू की वैल्यू कितनी है, एम टू की वैल्यू है 20 केजी और जी का वैल्यू कितना है 10 है इज इक्वल टू ये ए हो गया, तो एम वन का वैल्यू कितना है 3 है और एम टू का वैल्यू कितना है 20 है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, दिस वैल्यू इज 30 माइनस ये कितना हो गया एक्चुअल में ये 10 मल्टीप्लाई होगा तो 0.4 हो जाएगा, ये 2 का 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 टू 8 ये वैल्यू हो गया 8 और इस साइड में क्या होगा ए और 3 प्लस 20 तो क्या होगा 23 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है तो ये वैल्यू कितना होगा 22 इज इक्वल टू 23 इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/23 है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक हिसाब से आप ये भी रख लो या नहीं तो आप क्या कर सकते हो ए का वैल्यू अगर आप बोलोगे तो 0.96 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, ठीक है। अब हमें क्या करना अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा आप इस वैल्यू को इसको अगर आपको लेना तो आप क्वेश्चन नंबर 3 ले लो, अब इसको पुट कर दो, सो पुट ए इज इक्वल टू बेटर होगा मैं फ्रैक्शन वाली वैल्यू रखू तो 22/23 ठीक है, इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहां पे पुट कर इस एक्सरसाइज को हमने इक्वेशन वन में पुट कर देते क्योंकि कैलकुलेशन वहां पर ज्यादा जल्दी हो जाएगा, तो इन इक्वेशन नंबर 1 तो क्या है हमारे पास वैल्यू है एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू क्या है एम वन इन टू ए, एम वन की वैल्यू कितनी है 3 है, जी का वैल्यू 10 है ये कैपिटल टी है माइनस एम वन का वैल्यू कितना है ये 3 है और ए का वैल्यू कितना है, तो इसको 22/23 करके आप सॉल्व करो, ऐसा क्लियर। अब क्या करते हैं हम इसको इस साइड लेकर टी की वैल्यू को वी विल टेक दिस साइड, तो ये क्या हो गया ये 66 हो गया 66/23 करेक्ट, और ये यहां आया तो माइनस हो जाएगा ये कितना हो गया 30 हो गया क्लियर। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये जो वैल्यूज है यहां पे देखो मैं यहां पे कर देता हूं ये वैल्यू हो गया 30 हो गया, इसका कैंसिलेशन करोगे तो ये आएगा 2.869 इनका आंसर आ रहा है एक्चुअली कैलकुलेशन करोगे तो ये टी है, अब इसको सबट्रैक्ट करके देख लो ये टी हो गया ये 9 वाली वैल्यू क्या हो गया चलो ठीक है यहां पर देख लेते ये 30 हो गया ये 9 हो गया 6 हो गया 8 हो गया ठीक है ये 2 हो गया ये 1 हो जाएगा यहां पे 9 है तो ये 3 हो जाएगा ये 9 तो 1 हो जाएगा ये क्या है 9 और 7 तो ये 27 ये वैल्यू कितना होगा 27.131 तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगा 27.131 न्यूटन, ये हो गया आपका टेंशन का वैल्यू एक्टिंग इन दिस स्ट्रेन। सो आई होप जो भी चीज मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ आया होगा, तो वैसे फ्रिक्शन का कोई एंड नहीं है, इसमें आप जितने क्वेश्चन करते जाओ उतने क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, इसमें आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेवल तक भी चले जा सकते हो, बट मेरा टास्क ये है कि ना टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप थोड़े ही मेहनत करो छोटे करो बट ना आप समझो कि क्या करना है, आई एम नॉट डूइंग अ वेरी ये नॉर्मल क्वेश्चन, ये ना क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आया है एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, इसके पहले के जो क्वेश्चन मैंने बताया वो क्वेश्चन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं और सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच।